नमस्कार, स्पोर्ट्स टॉक के इस खास सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। तो क्या बीसीसीआई की ही इसी गलती की वजह से भारतीय खिलाड़ी बाहरी पिचेस के ऊपर में विदेशी सरजमी पर लगातार खराब कर रहे हैं और भारतीय टीम पिछले 8 सालों से कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। 2013 में हम आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे धोनी की अगुवाई में, वो भी इंग्लैंड में जाकर, लेकिन उसके बाद हमने कभी भी आईसीसी ट्रॉफी जीता नहीं है। कई दफा करीब पहुंचे लेकिन कभी भी ट्रॉफी हमारे हाथ में नहीं आ पाई है। तो आखिरकार इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों हमारे खिलाड़ी फ्लॉप हो रहे हैं और इसका निदान क्या है, क्या इसका सॉल्यूशन है, इस पर हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। दरअसल आपने देखा होगा कि T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को जैसे ही खेलने का मौका मिला एडिलेड के मैदान के ऊपर में, जो आपका सेमीफाइनल मुकाबला था इंग्लैंड के खिलाफ में, वहां पर किस तरीके से हमारे बल्लेबाज सुस्त नजर आए, हमारे ओपनर सुस्त नजर आए, उसके बाद इंग्लैंड की टीम ने बड़ी आसानी से रन चेज कर लिया। उसके बाद एलेक्स हेल्स का एक बड़ा बयान आया था, वो लीग को लेकर के था। उन्होंने कहा था कि किस तरीके से एडिलेड जो है वो उनका घर है, किस तरीके से एडिलेड में आकर के वो बिल्कुल घर जैसा माहौल महसूस करते हैं, क्योंकि बीबीएल में यानी कि बिग बैश लीग में लगातार वो वहां पर खेलते रहे हैं, तो उनके ग्राउंड से वो वाकिफ हैं, किस तरीके से वहां पर माहौल होता है, किस तरीके कंडीशन होते हैं, उससे वो वाकिफ होते हैं और इसका फायदा उन्हें मिला। और बात भी सही है एलेक्स हेल्स की, क्योंकि इंग्लैंड की टीम में वो चुने नहीं गए थे। उनके पहले च्वाइस जो थे इंग्लैंड के ओपनर के तौर पर वो जॉनी बेयरस्टो थे, लेकिन जब उन्होंने अपना नाम वापस लिया तो जेसन रॉय को ऑलरेडी नहीं चुना गया था, उसकी वजह से एलेक्स हेल्स को चुना गया। और एलेक्स हेल्स ने क्या कमाल किया जाना चाहिए था वो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने करके दिखाया और इसी अनुभव के लिए इंग्लैंड की टीम ने उनको अपनी टीम में शामिल किया था। इसी को लेकर अनिल कुंबले ने भी बयान दिया कि भाई भारतीय क्रिकेटर्स अगर कहीं बाहर जाकर खेलते हैं तो वहां से जो एक्सपोजर मिलेगा, जो वहां पर खेलने का अनुभव मिलेगा, उसका फायदा भारतीय क्रिकेट को भी जरूर पहुंचेगा इन खिलाड़ियों की वजह से। वहीं अब स्टीफन फ्लेमिंग ने भी एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि अनिल कुंबले ने जो बात की बिल्कुल सही है, अगर आपके खिलाड़ी बाहर विदेशी लीग खेलेंगे तो उनको वहां का क्लाइमेट से एक्लिमेटाइज करने का मौका मिलेगा, वहां पर जाकर के अपने आप को अभ्यस्त करा पाएंगे, वहां की कंडीशन से दो चार हो पाएंगे। और खास करके जोर दिया स्टीफन फ्लेमिंग ने कि आप कैरेबियन प्रीमियर लीग को भी खेलना चाहिए इनके खिलाड़ियों को, ताकि ढेर सारा अनुभव मिल सके। देश विदेश में कई सारे लीग्स हैं, अगर आप देखेंगे जहां पर कि क्रिकेट जो है वो बढ़ रहा है, वहां पर फ्रेंचाइज क्रिकेट हो रहा है और अलग अलग देशों के खिलाड़ी वहां पर खेल रहे हैं। इवन आईपीएल में आप देखें कौन सा ऐसा देश है जहां के खिलाड़ी हमारे यहां नहीं आते हैं, बांग्लादेश तक के खिलाड़ी जो है इस टीम के अंदर में शामिल किए जाते हैं आप और इस आईपीएल में शामिल होते हैं तो खिलाड़ी खेलते नजर आते हैं। ऐसे में अगर आप देखेंगे दो टीमें जो फाइनल में खेली हैं उसमें कौन कौन सी टीम थी, एक थी पाकिस्तान की टीम, एक थी इंग्लैंड की टीम। पिछले वर्ल्ड कप में कौन सी टीम थी, एक थी न्यूजीलैंड की टीम, एक थी ऑस्ट्रेलिया। टॉप चार में भी लगभग वही टीमें खेल रही हैं जो टीमों के खिलाड़ी जो है अधिकतर बाहरी लीगों में खेलते हैं। इस बार के भारतीय टीम के टॉप चार में जाने की अगर वजह को छोड़ दिया जाए तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि इंग्लैंड के खिलाड़ी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो खेलते रहते हैं, चाहे आप एलेक्स हेल्स की बात कर ले, बटलर की बात कर ले, ये पीएसएल भी खेलते हैं जाकर के, ये बीबीएल भी खेलते हैं। उससे होता यह है कि आपको यूएई या पाकिस्तान या एशियन सबकॉन्टिनेंट के कंडीशंस के बारे में भी पता है, आपको ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन के बारे में भी पता है, कब वहां पर किस तरीके से क्रिकेट बदलता है, इस ये सारी जानकारी आपके पास बतौर खिलाड़ी होती है और उसका फायदा भी कहीं ना कहीं आईसीसी टूर्नामेंट्स में मिलता है। लेकिन भारतीय खिलाड़ियों की जहां तक बात है, ये सिर्फ आईपीएल खेलते हैं, तो आपके जो मजबूत पक्ष है वो है कि आप आईपीएल खेलते हो, यहां पर आपको पता है, आप नहीं भी खेलते तो भी आप चैंपियन थे क्योंकि आपको अपने घर में खेलने के आपकी कंडीशन, आपके हालात पता होते थे, लेकिन जब आप बाहर ही जाते थे तो वहां पर आपको स्ट्रगल करना पड़ता था और वो हालात अभी भी भारत के बने ही हुए हैं, अभी भी कुछ बदला नहीं है क्योंकि आप वहां जाकर खेलते नहीं है, तो यह परेशानी है। जबकि अगर आप देखें तो बाहर पहले इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये सब टीमें जब भारतीय दौरे पर आती थी इनको सांप सूंघ जाता था, इनके बल्लेबाज लगता था कि नाच रहे हैं हमारे स्पिनर्स के आगे। लेकिन अभी देखें बटलर जैसे बल्लेबाज हो गए या और भी बहुत सारे उदाहरण, डेविड वार्नर को देख ले, जॉनी बेयरस्टो को देख ले, मतलब कोई अब खिलाड़ी ऐसा नहीं रहेगा विदेशी जो भारतीय सरजमी पर आकर रन ना बनाता हो। कोई भी आप नाम उठाकर देखिए, जो बड़ा नाम अपनी टीम के लिए होगा वो भारत में आकर रन ना बनाता हो, ऐसा कभी नहीं होता है। अब एरॉन फिंच तो कोई बात ही अलग है, लेकिन हाँ, लेकिन बाकी ऐसे सभी बल्लेबाज या गेंदबाज आकर के यहां कंडीशन से अपने आप में रूबरू होते हैं, ढालते हैं खुद को और जाकर अपने टीम के लिए परफॉर्मेंस करते हैं। तो आखिरकार बीसीसीआई क्यों भारतीय क्रिकेटर्स पर बैन लगा रहा है, बार बार कह रहा है कि भैया आप बाहर जाकर नहीं खेलो, जबकि अगर आपके मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं जो कि अगर आपके लिए यहां पर आईपीएल में भी खेलते हैं, आपकी इंडियन टीम के सदस्य हैं, तो आपने जो 20-25-30 का जो कोटा बनाया उसके बाहर भी भारतीय क्रिकेटर्स हैं जो आईपीएल तो खेलते हैं, उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट जब उनका बंद रहता है तो फ्री रहते हैं, तो वो अगर चाहें तो जाकर के बाहर खेल सकते हैं। या आपके जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका अगला, मान लीजिए अगला वर्ल्ड कप, अगर हम एक तरीके से फर्ज करें कि अगला
वर्ल्ड कप, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में हो या न्यूजीलैंड में हो, कहीं पर भी हो अगर, और वहां पर आपका कोई लीग चल रहा है और वहां आपने आपके मेन चार पांच प्लेयर्स को अगर आप उस लीग में खेलने के लिए भेज देते हैं जो कि आपके लिए वर्ल्ड कप में उसी टीम का हिस्सा होंगे, तो शायद अपने घरेलू सीरीज में आपके जो यंग प्लेयर्स हैं जो इनके रेस्ट लेने पर वैसे भी सीरीज जिताते रहते हैं, वो सीरीज आपको बायलैटरल जिता देंगे और इस बीच में उनके पास मौका होगा कि ये खिलाड़ी जाकर वहां पर जो भी लीग होगा, बीबीएल होगा, चाहे आप कोई भी टी20 ब्लास्ट देख लीजिए, हर जगह जाकर खेल करके अनुभव जब लेंगे तो उससे फायदा ये होगा कि वो खिलाड़ी जब इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे तो उन कंडीशन से वो बिल्कुल अभ्यस्त होंगे, उसका एक्सपीरियंस जो है वो अपने बाकी खिलाड़ियों में भी डालेंगे। तो ये हर एक बड़े टूर्नामेंट से पहले किया जा सकता है। इसी की सलाह जो है अनिल कुंबले ने भी दी है, स्टीफन फ्लेमिंग ने भी दे दी है, और हमारा भी यही मानना है कि आप अपने खिलाड़ियों को क्यों रोकना चाहते हो, जबकि आने वाले समय में ऐसा ही होगा कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट ही हावी होने वाला है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बंद हो जाएगा, ओडीआई क्रिकेट तो वैसे भी साफ होने वाला है, तो ऐसे में आपको इससे पहले कि सारी चीजें बंद हो, उससे पहले कि अपने क्रिकेटर्स को भी आप भेजना शुरू करें, वो जाकर के वहां से एक्सपीरियंस गेन करो, एटलीस्ट जो आपके फिलहाल आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है कम से कम उनको तो भेजे ही भेजे, जो खिलाड़ी 15 20 25 के अलावा भी हैं उनको आप जरूर भेजें ताकि वो एक्सपीरियंस वहां से लेकर के आए, दो पैसे उनको भी मिलेंगे तो कमाने के साथ साथ वो उनके पास में मौका हो एक्सपीरियंस गेन करने का, वहां पर खेलने का अनुभव उनको मिलेगा। तो ये हमारा भी मानना है कि ये चीज जो अनिल कुंबले जी ने कही है या जो स्टीफन फ्लेमिंग कह रहे हैं, ये हम बात कई बार से कह रहे हैं, हम कई दिनों से बात कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए ताकि बाहरी खिलाड़ी हमारे यहां आकर के हमारे कंडीशन को समझ गए हैं, परख गए हैं, इसलिए अब हम अपने यहां उतने मजबूत नहीं रहे जितने कि बाहर में कोई और खिलाड़ी जो होता है, क्योंकि अब ऐसा आप नहीं कह सकते 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप हमारे यहां है तो हम ही दावेदार हैं, अगर यही 10 साल पहले की बात होती तो हम ही दावेदार होते या पाकिस्तान दावेदार होता, लेकिन अभी अगर 2023 का वर्ल्ड कप है और जो अगले साल होना है उसमें अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं भारत ही दावेदार है, तो शायद मुझे लगता है क्रिकेट की ज्ञान परख जो है और उसको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अब सिर्फ भारत जो है वो हॉट फेवरेट नहीं रह गया है अपने घर में, हो सकता है कि पाकिस्तान की टीम आपके लिए अच्छा करे, पाकिस्तान जो चली आई एशियन सबकॉन्टिनेंट की टीम है वो खेलती भी है, हो सकता है कि इंग्लैंड आकर के आपसे अच्छा कर जाए और आपके यहां से ट्रॉफी लेकर चला जाए और आप मुंह देखते रह जाए, क्यों, क्योंकि उनके प्लेयर्स यहां पर आकर के अभ्यस्त हो गए हैं, कंडीशन को समझ चुके हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपके प्लेयर्स चूंकि बाहर नहीं जाते और जब बाहर में वर्ल्ड कप होता है ऐसी टूर्नामेंट्स होते हैं वहां पर हमारे प्लेयर्स फ्लॉप हो जाते हैं, तो इसीलिए कई बार सवाल उठता है क्या बीसीसीआई ही तो जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आपने अपने प्लेयर्स को बिल्कुल एक घर में कैद कर रखा है, यहां से आप बाहर की दुनिया से उसको कहीं ना कहीं अभ्यस्त होने का मौका नहीं दे रहे, तो शायद हमारी रिक्वेस्ट भी होगी और जैसा अनिल कुंबले जी ने भी कहा है, जैसा स्टीफन फ्लेमिंग भी कह रहे हैं कि भारतीय खिलाड़ियों को भी ये इजाजत मिलनी चाहिए कि वो किसी और लीग में जाकर के खेलें। आपकी क्या राय है, कि आपको लगता है कि हाँ इंडियन टीम के प्लेयर्स को भी अलाउ करना चाहिए अगर वो जाना चाहें तो बाहरी लीग में जाकर वो भी खेलें ताकि वहां कंडीशन सबस्त हो पाए, आप कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।